राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, पुलिस की तरफ से लिया गया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में। जम्मू फिल्म महोत्सव का आज हुआ आगाज, 15 देशों की 94 फिल्में होंगी प्रदर्शित। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में गुरमीत कौर और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, गुरमीत कौर बोली कि कांग्रेस जी का विजन खत्म होता हुआ नजर आया। त्रिकुटा पर्वत पर छाए बादल, श्री माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा ठप, यात्रा जारी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने स्मार्ट मीटर्स लगाने के चलते किया विरोध प्रदर्शन, उपराज्यपाल प्रशासन का पुतला फूंका। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ने श्रीनगर के जीबी पंत अस्पताल के पास इंदिरा नगर स्थानीय होटल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया उद्घाटन। जल शक्ति विभाग के खिलाफ महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, खाली बर्तन लेकर महिलाओं ने गाने गाकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया सांबा में प्रदर्शन। रियासी जिला कोविड मुक्त, इसके साथ ही जम्मू संभाग के जिला रामबन, पुंछ, किश्तवाड़, कठुआ, राजौरी और उधमपुर भी कोविड मुक्त होने की दिशा में। किश्तवाड़ में मौलवी गिरफ्तार, पाकिस्तान में आतंकियों को भेजता था खुफिया जानकारी। हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित वार्षिक गंगबल यात्रा को आज मध्य कश्मीर के गांधरबल के नारनग आधार शिविर से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जिला अध्यक्ष बनिहाल आम आदमी पार्टी इलियास बनिहाली ने आप नेता फैजाद अहमद के साथ कई समर्थकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सोपोर में अवैध हथियारों के साथ लक्षर आतंकी गिरफ्तार, बना रहा था बड़े हमले की योजना। आजाद 4 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और 6 सितंबर तक यहां रहकर अगले 7 सितंबर को बदरवा विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों से मिलेंगे। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के लेकर आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन, कई लोगों ने कश्मीर से आकर जम्मू में की ज्वाइनिंग। नौजवानों को नशे से दूर रखने में सहयोग करे बुजुर्ग, मौलाना और मौलवी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की अपील। नगर निगम ने बार एसोसिएशन के प्रधान की इमारत गिराने का दिया नोटिस। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 3 से 5 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में जताई बारिश की संभावना। देश में 24 घंटों में फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले, 7,219 नए केस मिले। INS विक्रांत की वीडियो पीएम मोदी ने की सांझा, लिखा इस भावना को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, भारत जोड़ो यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ आंदोलन। अगली पीढ़ी को कोरोना टीकों पर काम कर रहे वैज्ञानिक, शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा थोड़ा समय लगेगा।